देश की आजादी की लड़ाई के इतिहास में झारखंड राज्य का जिक्र नहीं मिलता, क्योंकि तब झारखंड वजूद में नहीं था। लेकिन यहाँ के वीर आदिवासियों का जिक्र जरूर मिलता है, जिनके तीर कमानों से बंदूकधारी अंग्रेज थर थर कांपते थे। तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, सीधो कान्हू और नीलांबर पीतांबर जैसे आजादी के दीवाने आदिवासियों की फहरिस्त बड़ी लंबी है। इनमें सबसे पहला नाम आता है तिलका मांझी का। भारत की आजादी के लिए पहली शहादत तिलका मांझी ने दी थी। इतिहास की किताबों में पहली क्रांति साल 1857 में बताई गई है, लेकिन इससे करीब 8 दशक पहले ही जबरा पहाड़िया ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जंग छेड़ दी थी। जबरा को लोग तिलका मांझी के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने तीर धनुष के दम पर ही अंग्रेजों से लोहा लिया। गुरिल्ला वार में माहिर तिलका ने 13 जनवरी 1784 को अंग्रेज कलेक्टर अगस्टस क्यूवलैंड को तीर से मार गिराया। इसके बाद उन्हें राजमहल की पहाड़ियों से गिरफ्तार कर लिया गया और भागलपुर ले जाकर 13 जनवरी 1785 को महज 35 बरस की उम्र में सरेआम फांसी पर लटका दिया गया। मंगल पांडे को क्रांति की शुरुआत मानी जाती है कि भारतीय इतिहास में सर्वप्रथम विद्रोह इन्होंने किया है, लेकिन महाश्वेता देवी ने अपने उपन्यास सालगिरह डाके में उन्होंने तिलका मांझी के चरित्र को स्थापित करते हुए उन्होंने साफ लिखा है कि मंगल पांडे के पूर्व तिलका मांझी एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जो है क्रांति का बिगुल फूंका। जबरा पहाड़िया तिलका मांझी भारत के ही प्रथम योद्धा नहीं है, ये अगस्टस क्लीवलैंड की मौत के बाद ही इनकी चर्चा होती है। लेकिन उस आदिवासी लड़ाका में स्पार्टाकस पहला व्यक्ति है पूरे वर्ल्ड में, और दूसरा व्यक्ति है वो है जबरा पहाड़िया तिलका मांझी। अब बात भगवान बिरसा मुंडा की। खूंटी में जन्मे बिरसा ने अंग्रेजी हुकूमत और जल जंगल जमीन के लिए ऐसी लड़ाई छेड़ी कि युवावस्था में ही वे आदिवासियों के लिए मसीहा बन गए। आदिवासियों के बीच उनकी लोकप्रियता ऐसी थी कि लोग उन्हें धरती आबा बुलाते थे, जिसका मतलब है धरती के भगवान। 9 जून 1900 को बिरसा मुंडा का रांची के जेल में निधन हो गया। बिरसा मुंडा तो कुछ थोड़ा कुछ कड़ी समय करते थे, इसलिए भगवान लोग मानते थे, पहले से ही मांगते थे। वो तो कुछ चमत्कारिक कुछ करता था, ऐसा होता कि कुछ दैविक शक्ति भी थी होगी, अब उसमें तो कोई लिखा होगा ऐसा है नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ था जिससे लोगों की लगा ये तो भगवान है। बिरसा मुंडा ने यहाँ ऐसे सोचा कि हम लोगों का दल जमीन बंगाल सब हमारा अधिकार है, हमारा पूर्वज ने इनको साफ किया और खेती योग्य बनाए, उस पर दूसरा बाहर से आए हुए लोगों को यहाँ अधिकार हम लोग नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग शोषण हो रहे हैं और हमारा जमीन लूट रहे हैं। इसी उद्देश्य से उन्होंने अंग्रेजों से लड़ने का ठान किया और उलगुलान छेड़ा। झारखंड के 6 भाई बहनों की फूल क्रांति की कहानी को इतिहास के पन्नों में बहुत कम जगह मिली है। साहिबगंज के सीधो कान्हू ने अंग्रेजों के खिलाफ 1855 में फूल क्रांति शुरू की थी। छोटे भाई चांद भैरव और बहनों फूलो झानो ने भी इस संघर्ष में पूरी ताकत झोंक दी। इसे संथाल विद्रोह भी कहते हैं। उन्होंने नारा दिया, करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। सीधो ने संदेश के तौर पर साल की टहनी भेजकर 400 गांवों के करीब 50,000 आदिवासियों को इकट्ठा किया। 30 जून 1855 को सीधो कान्हू ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ सीधी जंग छेड़ दी। संथालों से बचने के लिए अंग्रेजों ने पाकुड़ में मार्टिलो टावर बनवाया और अंदर छिपकर गोलियां बरसाई। भयंकर घमासान के बाद आदिवासी हार गए और अंग्रेजों ने सीधो कान्हू को बरगद के पेड़ पर
फांसी पर लटका दिया। 1855-56 में सिद्धू कानू की क्रांति हुई थी संथाल प्रजना के साहेबगंज जिले के अंतर्गत भोगनाडी में, यह क्रांति हुई थी और इस क्रांति के प्रणेता वो चार भाई थे, सिद्धू कानू, चांद भैरव। इसके महज दो साल बाद ही 1857 की क्रांति हुई। तब पलामू में दो भाइयों ने इस क्रांति का नेतृत्व किया, नाम था नीलांबर और पीतांबर। दोनों भाइयों को गुरिल्ला वार में महारत हासिल थी और इसी के दम पर दोनों ने अंग्रेजों को नाको चने चबवा दिए। लड़ाई के दौरान अंग्रेजों ने किसी तरह दोनों भाइयों को जाल में फंसाया और 28 मार्च 1859 को लेस्लीगंज में एक पेड़ पर फांसी दे दी। क्योंकि आदिवासियों को गोलबंद करके इन्होंने पहला व्यक्ति थे जो अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में, जिस समय मंगल पांडे, वीर कुंवर सिंह और तरह के लोग थे इधर क्षेत्र में, आदिवासियों के ये शीर्ष नेता थे जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहा और उसके बाद सारे आदिवासी एसटी एससी और बैकवर्ड के लोग जो है गोलबंद होकर के अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई करने का साहस तैयार किया। बहुत से दस्तावेज हैं जो बताते हैं कि नीलांबर पीतांबर बेसिक रूप से गुरिल्ला लड़ाई लड़ रहे थे, चूंकि अंग्रेजों के खिलाफ उनको लड़ना था। ग्राहम की फौज थी, डाल्टन पहुंच गए थे, तो एस डाल्टन कमिश्नर थे, तो स्वाभाविक है कि उनके साथ बड़ी फौज थी और उनसे टकराना था। तो उनके पास बेसिकली पारंपरिक हथियार थे और साथ साथ कुछ जो देसी बंदूक कह सकते हैं उसकी व्यवस्था उन्हों के पास थी जिसके माध्यम से वो लड़ाई लड़ते थे। झारखंड की कोख ने ऐसे अनगिनत सपूतों को जन्म दिया है जो आजादी और अपनी धरती के लिए सर पर कफन बांध कर हंसते हंसते कुर्बान हो गए। अंग्रेजी हुकूमत क्रांतिकारियों के शौर्य से कांपती थी और आदिवासियों में खौफ पैदा करने के लिए उन्हें सरेआम फांसी पर लटका देती थी। ये क्रांतिकारी भले ही कम उम्र में ही देश के लिए न्योछावर हो गए, लेकिन उन्होंने आजादी और आदिवासियों के हक के लिए जो मशाल जलाई वो युगों युगों तक रोशन होती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत।